खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। करते हैं रुख किसानगंज की और देखते हैं कि अजय मेरू एक्सप्रेस रिपोर्टर रमेश गुजराती के साथ दिन भर की कुछ खास खबरें। मनरेगा श्रमिकों को बांटे 1500 मास्क, भीषण गर्मी से बचने के लिए पिलाई छाछ। किसानगंज ग्राम पंचायत के अधीन चल रहे मनरेगा कार्यस्थलों पर ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से 1500 मास्क किए गए वितरित। वहीं गर्मी से बचने के लिए श्रमिकों को पिलाई गई मसाला छाछ। सरपंच मंजू देवी प्रजापत, उप सरपंच बद्री प्रसाद साहू, समाज सेवी लालचंद प्रजापत सहित वार्ड पंच गणों ने चल रहे मनरेगा कार्यों का लिया जायजा। सात कार्यस्थलों पर चल रहे मनरेगा कार्यों पर मेट के जरिए सभी श्रमिकों को भेंट किए मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। साथ ही श्रमिकों को दिए गए टास्क के अनुसार कार्य करने की बात कहते हुए श्रमिकों की समस्याएं सुनकर निजात दिलाने का दिया आश्वासन। नाडी में मिली सैकड़ों मृत मछलियां, मनरेगा श्रमिकों की बड़ी परेशानियां। किशांगन में माता मंगरी के पास पीपलिया रोड नाडी में मृत मछलियां मिलने से मनरेगा श्रमिकों को बदबू से करना पड़ा परेशानी का सामना। ग्राम पंचायत प्रशासन को जानकारी मिलते ही तत्काल सफाई कर्मी पहुंचे मौके पर। लालचंद प्रजापत ने बताया कि सुबह नाडी की खुदाई करने के दौरान मनरेगा श्रमिकों ने जानकारी दी कि दुर्गंध से काम करना मुश्किल हो रहा है। नाडी के पास पानी में काफी सार की मृत मछलियां तैरती हुई नजर आई। मेट ने तत्काल ग्राम पंचायत में इसकी सूचना भिजवाई। मेट गेवरचंद कुमावत के अनुसार दो दिन पूर्व कार्यस्थल पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। गुरुवार को मनरेगा कार्य की छुट्टी थी। जब आज शुक्रवार सुबह मनरेगा श्रमिक कार्य करने पहुंचे तो नाडी के किनारे काफी मृत मछलियां देख मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार ये मछलियां किसी मछली बेचने वाले अज्ञात व्यक्ति की करतूत हो सकती है।